वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों के फ्रेंड्स। जैसे कि आपने फ्रेंड 2 या 3 दिन में देखा हुआ है, काफ़ी वायरल हो रहा है, ट्रेडिंग में चल रहा है कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन हो गया। कब होगा, क्यों होगा, उसके बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा होगा या फिर आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के पता किया होगा कि ये काफ़ी वायरल हो रहा होगा। फ्रेंड आज हमारी यही टॉपिक होने वाला है वीडियो। जो फ्रेंड मेरे चैनल पे न्यू हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा हो, साथ में बेल आइकन दिख रहा हो, उसको प्रेस कर, जैसे मैं कोई भी नया टॉपिक की वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आपने फ्रेंड सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक रूल बनाया था फरवरी में, कि जो OTT प्लेटफॉर्म थे उनके लिए बनाया हुआ था ये। जैसे कि लाइक के जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो उसी के लिए रूल बनाया गया था कि आपको अपनी आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उनको चेंज करिए। जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फेसबुक पे ही आप देख लीजिए, काफ़ी फेक वीडियो आती हैं, काफ़ी जैसे कि फेक वीडियो आती हैं, फेक आईडी बनाई हुई है लोगों ने, तो उसी के लिए वो बनाया गया था फ्रेंड्स रूल्स फर्स्ट। तो मैं बताता हूँ बारीकी से क्या रूल है। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि आप फेसबुक पे कोई भी वीडियो कर देते हो तो काफ़ी कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, उसमें से काफ़ी वीडियो 90% वीडियो फेक होती है फ्रेंड। जैसा कि आपने कोई भी गलत वीडियो उस पर वायरल कर दी, जैसा कि आप समझ सकते हो कि कोई गलत वीडियो वायरल कर दी या फेक वीडियो, फेक न्यूज वायरल कर दी, तो फेसबुक से यही कहा गया था और जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कि आप इसकी जानकारी रखिए कि फर्स्ट टाइम ये वीडियो किसने अपलोड की और वायरल किसने की, उसी की जानकारी देने के लिए तीनों को बोला गया था। और सबको फ्रेंड तीनों को 3 मंथ का टाइम दिया गया था फरवरी में, जो कि डेडलाइन थी सब फ्रेंड्स। उसकी जो 25 इसकी डेडलाइन थी वो थी 25 मई, 25 मई 2020, 3 महीने का इनको टाइम दिया गया था। जैसे कि फिर से आपको सुनाया कि आप तो 26 हो चुका है फ्रेंड, तो अभी तक बैन हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा फ्रेंड। मैं बता चलूँ फ्रेंड, जैसे कि आप हो, आपने सुना होगा ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ये काफ़ी लार्जेस्ट, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको पता है काफ़ी अर्निंग करते हैं फेसबुक, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। जैसे कि आपको फ्रेंड पता होगा कि यहाँ पे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मत मान के चलिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एक एक बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं सबका अकाउंट होता है। अगर इंस्टाग्राम पर भले ही नहीं होगा, फेसबुक पे नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड आपने सुना होगा ट्विटर पे तो ज़रूर होता है, क्योंकि वहाँ पे हर न्यूज सबसे पहले चलती है ट्विटर। जैसा कि आपको पता होगा PM मोदी भी कुछ निकालते हैं, CM योगी जी भी कुछ बोलते हैं, तो सबसे पहले ट्विटर, यूट्यूब भी कुछ नई पॉलिसी लाता है या कुछ भी करता है, तो सबसे पहले वहीं पे आपको ट्विट मिलता है कि ट्विट कर देता है। ओके फ्रेंड, तो उसी के बारे में हम जानकारी देंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड अब तो आपको बता दूँ कि आप कहीं, आपको समझाता हूँ, जैसे कि आप कहीं जॉब करने जाओगे फ्रेंड्स, तो आप इंटरव्यू दोगे, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्या, तो वो आपसे एक ये रखेगा कि आपको 1 घंटे ज़्यादा रुकना पड़ेगा हमसे। तो अगर आपको सैलरी अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी, तो आप हाँ भी कर सकते हो। जैसे आप समझ सकते हो कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो फ्रेंड वो आपसे बोलेगा कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कम से कम आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा, या फिर ये कि आप ये काम सीख सकते हो, तो आप उसको सीखोगे कि आप जॉब लेने के लिए चेष्टा रखोगे, तो आप उसको बोलोगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा। तो वही है फ्रेंड्स, ये रूल गवर्नमेंट ने निकाले हैं। जैसा कि आपको फ्रेंड पता होगा 1 साल पहले जैसे लाइक की, टिकटॉक और ये बैन हुए थे, ये पॉलिसी के लिए हुए थे, बैन हुए थे, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बैन हुए थे। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, फेसबुक पे तो काफ़ी फेक न्यूज और फेक वीडियो, सबसे ज़्यादा फ्रेंड फेक आईडी चलती हैं। आप देखोगे उसका एड्रेस भी अलग होगा, सब कुछ फेक होगा, कोई भी इल्लीगल नहीं होगा, सारे फेक होंगे। जैसा कि आपको बता होगा इसी के लिए रूल निकाला गया है फ्रेंड्स। और फेसबुक को कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इनसे ये भी बोला गया है कि आप, जैसे कि आप कोई भी आपके साथ स्कैम होता है या कुछ भी गलत होता है, तो आप सीधे कंप्लेन करो। आप और आपके साथ कुछ गलत होता है, कोई स्कैम होता है, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर के सीधे उसको कंप्लेंट करो, तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला था कि उसके लिए आप अलग से एम्प्लॉय रखोगे या फिर आप एक डिपार्टमेंट बनाओगे अलग से, कि उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ओके फ्रेंड,
तो ये काफी बड़े प्लेटफॉर्म थे, ये बैन तो नहीं होंगे फैन, लेकिन बस यही है इनको जो भी गवर्नमेंट ने वो डेडलाइन दी थी वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फैन जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा कि आप मैंने आपको समझाया वो तो मानेगा होगा फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करें जिससे मैं कोई भी न्यू टॉपिक वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले।